नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज का यह वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण और बहुत ही ज़्यादा खास रहने वाली है, इसलिए आप इस वीडियो को अकेले में देखें। क्योंकि दोस्तों इस वीडियो में आप अपने जीवन काल से जुड़ी उन सच्चाई के बारे में जानने वाले हैं जिन्हें जानकर आपके होश उड़ जाएंगे। जी दोस्तों, इस वीडियो में आपकी जीवन की सभी प्रकार के चिट्ठे पुर्जे खुलने वाले हैं। आपके जीवन काल में जो घटनाएं अभी घट रही है, जो मुश्किलों का आप सामना कर रहे हैं, आखिर क्यों कर रहे हैं, उनका कारण क्या है, आपके जीवन काल में गरीबी क्यों आ रही है, आखिर आपको सफलता क्यों नहीं मिल पा रही है, इन सभी की जो है जानकारी आपको इस वीडियो में पता चलेंगी। इन सभी की वजह जो है जानकर आपके होश उड़ जाएंगे। तो दोस्तों आपसे बस निवेदन यही है कि वीडियो को बिल्कुल ही मिस ना करें और शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा। जी दोस्तों, इस वीडियो में आप सभी महत्वपूर्ण जानकारी को जानेंगे कि पिछले समय अंतराल में और अभी जो आपके साथ घटनाएं हो रही है, क्यों हो रही है और किसकी वजह से हो रही है, साथ ही आने वाले समय में अब आपके साथ कौन सी घटनाएं होने वाली है, इस वीडियो में वे भी जानकारी आपको मिलने वाली है। तो दोस्तों अंत तक देखिएगा। उससे पहले दोस्तों जो भी भक्त वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में सच्चे मन से जय माता दी लिखिएगा, गुरु जी का और माता रानी का शीघ्र आशीर्वाद प्राप्त करेगा, तो मित्रों जरूर लिखिएगा। और यदि आप चैनल पर भी नए हैं तो दोस्तों चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर सेट कर दें। तो आए दोस्तों वीडियो को प्रारंभ करते हैं। दोस्तों आप लोगों ने अपने जीवन काल में पिछले समय अंतराल में हर मौसम को देखा है, आपने हर मौसम को झेला भी है। यहाँ पर हम आपको मौसम यानी समय की बात कर रहे हैं। दोस्तों मौसम का मतलब समय है। दोस्तों आपको बता दें कि आपने हर तरह के मौसम को देखा है, हर समय में हर प्रकार की परिस्थिति और सिचुएशन को झेला भी है। अपने जीवन में अच्छा भी देखा है तो आपने अपने जीवन में बुरा भी ज़रूर देखा है। दोस्तों आपने अपने जीवन में खुशियां जहां देखी है वहीं अपने जीवन में गम भी आपने देखा है। दोस्तों पिछले समय अंतराल में आपने उम्मीद भी रखी है, आपने अपने उम्मीद लगाए बैठे हैं कि आने वाला हमारा कल बहुत ही अच्छा होने वाले हैं। आपने सोचा है कि आने वाले समय में हमारी किस्मत ज़रूर बदलेगी और आप अपने मन में ये सोचते रहते हैं। दोस्तों आपको बता दें कि आपने पिछले समय अंतराल में यह भी सोचे हैं कि आने वाले समय में हमें बेहतरीन परिणाम ज़रूर देखने को मिलेंगे। साथ ही आपको बता दें कि दुख में, दर्द में, चाहे आप कितनी भी तकलीफ में क्यों ना हो, आपके चेहरे पर मुस्कुराहट हमेशा बनी रहती है। दोस्तों आप अपने दुखों को किसी के साथ व्यक्त नहीं करते हैं या फिर कर भी नहीं पाते हैं। दोस्तों आपको बता दें कि आपके मन में बहुत कुछ करने की इच्छाएं होती है, कुछ करने की, कुछ बनने की अनेक इच्छाएं, अनेक तमन्नाएं रहती है। आपके मन में कुछ ऐसे भी तमन्नाएँ होती है कि आप अपने जीवन में जो आपके मनपसंद चीज़ हैं आप उन्हें प्राप्त कर सकें, आप उन्हें मनपसंद की चीज़ों को, मनपसंद के कार्यों को करें और जिस लेवल पर जाना चाहते हैं उसे प्राप्त करें। लेकिन दोस्तों आप समय की मार और घर की महत्वपूर्ण जिम्मेदारियों को देखते हुए पीछे हट जाते हैं या फिर कहीं पर आपको समय की ऐसी मार पड़ती है कि आप अपने अरमानों को अपने अंदर ही दबा लेते हैं। साथ ही दोस्तों आपको बता दें कि आप जानते हैं आप जिस स्थिति पर है, जिस भी लेवल पर है, जो भी कार्य को आपने अचीव किया है वो आपकी मंजिल नहीं है। आप अपने जीवन में अभी भी संतुष्ट नहीं हैं, आपके बड़े सपने हैं, आप बड़ी ऊंचाइयों पर जाना चाहते हैं, ऐसी आप कोशिश भी हमेशा कर रहे हैं। आप बड़े लोगों को देखकर, अपने सपनों को देखकर अपने मन में हमेशा इच्छा बनाते रहते हैं कि हमें अपनी मंजिल एक ना एक दिन ज़रूर मिलेगी, और आप जहाँ हैं वहाँ पर आप खुश नहीं हैं। लेकिन दोस्तों यह बात भी बिल्कुल सत्य है कि आप लोगों ने कोशिश करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। आपसे जितना हो सका, आप जितना प्रयास कर सकते थे आपने पूरा प्रयास किया, पूरे हृदय से, दिल की गहराइयों से आपने सफलता पाने के लिए कड़ी मेहनत, पूरा जी जान से मेहनत की है। लेकिन दोस्तों अभी भी आपके कुछ महत्वपूर्ण सपने हैं जो आज भी पूरे नहीं हुए हैं, आज भी अधूरे हैं, और उनको प्राप्त करने की जो ललक है, जो तमन्ना है, वो आपके अंदर अभी भी है। इसके साथ ही दोस्तों हम आपको बता दें कि आप जिनके लिए महत्वपूर्ण कार्य को छोड़कर उनके सहायता करते हैं,
दिलो जान से उनकी हेल्प करते हैं, आखिर वही आपको धोखा दे देते हैं। और जब आपको उनकी ज़रूरत पड़ती है तो दोस्तों वे पीठ पीछे करके आगे चल देते हैं। इसी के साथ हम आपको बता दें कि आपके जीवन में कुछ ऐसी भी घटनाएं घटित हुई है जो आपको सोचने पर मजबूर कर देती है, और बहुत ही ज़्यादा दर्दनाक घटनाएं भी घटी है। यहाँ तक कि कभी कभी आप अपने पूर्व समय को याद करके बहुत ही ज़्यादा दुखी हो जाते हैं। कभी आप अकेले में बैठते हैं तो ये सोचते हैं कि आपके जीवन में जो आप बनना चाहते थे, जहाँ पर आप पहुँचना चाहते थे, वहाँ पर अभी भी पहुँच नहीं पाए हैं। इसके लिए आप पूरी कोशिश भी कर रहे हैं, आप अपनी मंजिल को प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं। क्या वह कौन सी वजह है, कौन सा कारण है जिससे आपको सफलता अभी तक नहीं मिल पा रही है? तो दोस्तों हम आपको बता दें कि ऐसे बहुत से कारण हैं, लेकिन कुछ मुख्य कारण हैं जिनकी वजह से आप अपने लक्ष्य तक, अपनी मंजिल तक नहीं पहुंच पा रहे हैं। पहला कारण है धोखा। दोस्तों आप अपने जीवन में जिनके ऊपर विश्वास करते हैं उनकी सहायता कर उन्हें आगे बढ़ाते हैं, जिनको आप अपनी सारी जानकारियां भी देते हैं, वही लोग आपको धोखा भी दे देते हैं और आपको नुकसान हो जाता है। इसी के साथ ही हम आपको बता दें कि दोस्तों आप कोई भी कार्य करते हैं तो उसमें जल्दबाजी और उतावले से कार्य करते हैं, उसके कारण भी आप अपनी मंजिल को प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं और आपके जीवन में खराब परिस्थिति का निर्माण हो रहा है। लेकिन दोस्तों हम आपको बता दें कि जो बीत गया सो बीत गया, अब उस पर आपको विचार करने की जरूरत नहीं है, उसे तो आप ठीक नहीं कर सकते। लेकिन एक बात तो सच है कि बीता हुआ समय आपको बहुत कुछ सिखा गया है और आपने जरूर कुछ अच्छा अनुभव भी किया होगा। आपने देखा है कि बुरे वक्त में किसने आपका साथ दिया है, अपनों के बीच में कौन अपना है और कौन पराया है, कौन सा तारीफ करता है और कौन बीच में रहकर अच्छी अच्छी बातें करते हैं, और पीठ पीछे कौन बुराइयां करते हैं। अब आपको सभी प्रकार की सीख को लेने के बावजूद जीवन में आगे बढ़ने की जरूरत है, और आप आगे जानते हैं आपको कैसे परिणाम देखने को मिलेंगे। तो दोस्तों आप सभी को बता दें कि आपने अपने जीवन में अच्छे बुरे वक्त में बहुत कुछ अनुभव कर लिया, बहुत कुछ सीख लिया और बहुत सारी परेशानियों को झेल लिया। लेकिन दोस्तों आपको बता दें कि यह समय अवधि में आपकी परेशानियों का अंत होगा। आपको ऐसा महसूस होगा कि आपने पिछले समय जो भी गवाया है वह यश में आपको मिल रहा है। दोस्तों आपका बुरा वक्त अब धीरे धीरे समाप्त हो रहा है और आपकी जीवन की सारी परेशानियां धीरे धीरे दूर होते हुए इस महीने में आपको नजर आने वाले हैं। दोस्तों इसमें दौड़ धूप तथा मेहनत की अधिकता रहेगी, परंतु कार्य की सफलता आपकी थकान को भी इसमें दूर कर देगी। किसी जरूरतमंद मित्र की मदद से आत्मिक शांति की भी प्राप्ति होगी। दोस्तों ये जो समय है आपके लिए किसी रुचिपूर्ण कार्य को करने में समय व्यतीत करें, इससे दोस्तों आपको मानसिक तथा आत्मिक सुकून की प्राप्ति होगी। दोस्तों आपको बता दें कि यह समय आपकी सावधानी क्या होगी। दोस्तों अध्ययनरत विद्यार्थी आलस की वजह से अपनी पढ़ाई पर ध्यान नहीं दे पाएंगे, तो दोस्तों इस समय आपको इससे सावधान रहना है। संतान से संबंधित गतिविधियों में भी ध्यान देने की आपको आवश्यकता होगी। और दोस्तों ये जो समय है आपके लिए किसी भी प्रकार की यात्रा करने से आपको बचना चाहिए, क्योंकि दोस्तों इनसे कोई उतना अच्छा आपको लाभ नहीं मिलेगा जितना आप सोच रहे हैं। और इसके उपरांत दोस्तों आपको बता दें कि यश में आपके लिए समय होंगे आपके हर निर्णय का परिणाम ध्यान में रखकर आपको आगे बढ़ने की आवश्यकता होगी। दोस्तों ये जो आपके लिए समय होंगे किसी भी बात के बारे में बिल्कुल भी रिस्क ना लें, पैसे से संबंधित तनाव बना रहेगा, लेकिन दोस्तों किसी को जो है आपको मदद प्राप्त हो सकती है और ये जो आपके लिए फायदेमंद होगी। लेकिन दोस्तों किसी की मदद आपको प्राप्त हो सकती है, मित्रों के साथ आपके प्रति गलतफहमी बढ़ने की वजह से आपको दुख भी हो सकता है। और इसके उपरांत दोस्तों यश में आपके लिए समय होंगे, आपको बता दें कि राजनीतिक तथा सामाजिक दायरा भी आपका इसमें बढ़ेगा, पिछले कुछ समय से रुके हुए कार्यों में भी गति आएंगी। बस दोस्तों आपको बता दें कि बच्चों की समस्याओं के समाधान में आपका सहयोग उनके लिए बहुत अधिक उचित रहेगा, घर की व्यवस्था उचित बनी रहेगी। शादी दोस्तों इसमें कुछ बुरी नीयत के लोग आपकी महान हानि और अपमान का कारण भी बनेंगे, इसलिए दोस्तों यश में नकारात्मक प्रवृत्ति के लोगों से दूरी बनाकर ही रखें, ये आपके लिए बेहतर होंगे। विद्यार्थी सोशल मीडिया तथा व्यर्थ के कार्यों में अपना समय नष्ट ना कर दोस्तों पढ़ाई के प्रति ध्यान लगाएं, ये भविष्य के लिए आपके बेहतर होंगे। और इसके उपरांत दोस्तों यश में आपके लिए समय होंगे, दोस्तों आपको बता दें कि जो बातें आपके साथ गलत हो रही है दोस्तों उन बातों के खिलाफ आवाज़ उठाना आपको इसमें सीखना पड़ सकता है।
क्योंकि दोस्तों यश में आप अपनी भावनाओं को अपने अंदर ही दबाकर रखने की वजह से ना आप परिस्थिति में बदलाव देख पा रहे हैं ना ही विचारों में सकारात्मकता। तो दोस्तों इन पर जरूर ध्यान दें। दोस्तों आपको बता दें कि बच्चों की तरफ अधिक ध्यान देने की आपको आवश्यकता होने वाली है। और इसके उपरांत दोस्तों यश में आपके लिए जो समय होंगे, आपकी दिनचर्या के लिए जो समय होंगे, आपको बता दें कि दोस्तों यश में बहुत ही व्यस्तम और फिर फायदेमंद दिनचर्या आपके लिए शामिल होंगे। दोस्तों अपने उद्देश्यों का पूरा ध्यान रखें, अवश्य ही सफलता आपको प्राप्त होगी। घर के रखरखाव तथा साथ सजा संबंधी कार्यों में भी खुशनुमा समय व्यतीत होने वाले हैं। कोई पुराना झगड़ा दोबारा उभर सकता है, इस बात का ध्यान रखें। इसलिए दोस्तों इसमें बेहतर होगा कि पुरानी बीती बातें वर्तमान पर हावी ना होने दें। दोस्तों आपको बता दें कि अपनी सोच को सकारात्मक बनाकर रखें। आर्थिक मामलों पर विशेष ध्यान भी आपको देना चाहिए। और इसके उपरांत दोस्तों यश में आपके लिए जो समय होंगे, आपके दिनचर्या के लिए जो समय होंगे, आपको बता दें कि आप अपने दायित्व के प्रभाव से जो लोग आपके खिलाफ हैं, दोस्तों आपको बता दें कि उनको भी आपके पक्ष में आप कर पाएंगे। वो दोस्तों अपने ज्ञान का और अनुभव का पूरा इस्तेमाल यश में आप कर भी पाएंगे। दोस्तों आपको बता दें कि दूसरों के मार्गदर्शक बनने के लिए और दोस्तों यश में आपको बहुत अधिक मेहनत करने की जरूरत होगी और इसके द्वारा आपको मदद आनंद देगी दोस्तों और सम्मान भी आपको इसमें प्राप्त होगा। इस उपरांत दोस्तों यश में आपके लिए जो समय होंगे, आपको बता दें कि दोस्तों यश में खर्चे आपके सामने तो आएंगे, परंतु इसके साथ ही दोस्तों आय के स्रोत भी बढ़ने से आपकी आर्थिक समस्या कम हो जाएगी। और दोस्तों किसी सम्मेलन या फिर समारोह में जाने हेतु आपको आमंत्रण भी प्राप्त हो सकते हैं। संतान की शिक्षा अथवा करियर को लेकर कोई चिंता आपकी दूर होगी। उसके बाद दोस्तों यश में आपको बता दें कि किसी पर भरोसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए, ये आपके लिए नुकसानदायक होंगे। बेहतर होगा कि अपने निर्णय को ही सर्वोच्च रखें। रिश्तेदारों के साथ व्यवहार करते समय व्यवहार में जो है सम्यता अवश्य रखें, ये आपके लिए बेहतर होंगे।